So lipids, I had told you last time, these are esters of fatty acids with alcohol. Ester bond, fatty acids or alcohol में कौन सा bond है? Ester bond है, इसलिए हमने कह दिया esters of fatty acid with alcohol. Most common alcohol is glycerol. This is glycerol. ग्लिसरोल को हम और क्या बोल देते हैं? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. माइंड में रखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुनो चीजें. सो इट इज CH2OH, CHOH, CH2OH. ट्राइहाइड्रिक मतलब तीन OH ग्रुप्स है, इसलिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. दिस इज ग्लिसरॉल. उसके बाद है फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स में लॉन्ग एल्काइल चेन अलोंग विद वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड दिस इज R is long alkyl chain. For example, let us see, such as C16. ठीक है, कार्बन 16 है, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं ये डिपेंड करता है. ठीक है जी. अब कैसे? बेस्ड ऑन the type of alkyl chain. आपने थोड़ा सा ऑर्गेनिक पढ़ा होगा. ठीक है, फैटी एसिड कैन बी दो टाइप के फैटी एसिड्स. Saturated fatty acid, unsaturated fatty acids. Saturated fatty acids में क्या है? No double या triple bonds. Unsaturated fatty acids में have double or triple bonds. क्योंकि यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड है, बहुत सारे सिंगल बॉन्ड्स है. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ये कहाँ पे है? प्रेजेंट इन एनिमल्स. जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. ठीक है, उसके बाद अनदर पॉइंट, क्योंकि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, दे रिमेन सॉलिड. आप अलग से करके इसके बारे में लिख लेना, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर गेट डिपॉजिटेड. ये मुझे ऐसे लगता है कि भाई ये थोड़ा सा जो है
मिस नॉर्मल है, बट जो हमें आपकी बुक्स में वो हमें बताना पड़ेगा. गेट डिपॉजिटेड इन ब्लड वेसल, ठीक है. सो शुड नॉट बी टेकन बाय हार्ट पेशेंट्स जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, जबकि ये जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स दे रिमेन, क्योंकि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, दे रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनहिबिट्स या हम कह सकते हैं दे लोअर्स कोलेस्ट्रॉल इन अवर ब्लड. इसलिए जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि वी शुड टेक द ऑयल्स विच हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है. पहले ये लिखो फिर मैं आगे बता. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फैटी एसिड्स. Saturated, unsaturated. Saturated में हम दो main examples करते हैं. One is palmitic acid. Palmitic acid का formula क्या है? C15H31COOH. या फिर आप ये देखो कि 15 और एक ही 16, C16H31 एंड H एक ये है H32O2. सो दिस इज पाल्मिटिक एसिड, इसलिए हम इसको 16 कार्बन फैटी एसिड कहते हैं, क्योंकि टोटल तो कार्बन इसमें 16 ही है, ठीक है जी. दूसरा आ जाता है बेटा स्टीयरिक एसिड, C17H35COOH या फिर C18H36O2. सो स्टीयरिक एसिड इज द 18 कार्बन फैटी एसिड. ये दो चीजें आपको, ये दो नाम आपको जरूर याद होना चाहिए. सैचुरेटेड है, यहाँ पे कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सिर्फ याद रखो नाम ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड. ये चार अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है. इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि ओलिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, वेयर एज लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड एराकिडोनिक एसिड्स आर असेंशियल फैटी एसिड्स. आपने पूरा लिखना है, मेरी तरह ईएफए नहीं लिख देना है. असेंशियल फैटी एसिड्स आगे आपने खुद लिखना है, बिकॉज दीज थ्री आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी बट दे आर टेकन प्लांट डाइट. ये तीनों हमारी बॉडी में मिलते हैं बट हमारी बॉडी में बनते नहीं है. फिर कहां से आए? ये हम जो प्लांट फूड खाते हैं उसमें से मिलते हैं, प्लांट फूड या एनिमल फूड, बट
we take this from the dye, not we can synthesize it. जबकि ओलिक एसिड ये हमारी बॉडी में बन जाता है, बट ये तीनों हमारी बॉडी में चाहिए. That's why these are called as essential fatty acids. लिख लो. Next हम आ जाते हैं बेटा, ये तो फैटी एसिड्स थी. Next हम आ जाते हैं lipids और fats. क्लासिफिकेशन हमारे पास तीन टाइप के फैट्स है. वन इज सिंपल फैट्स, फिर उसके बाद है कॉन्जुगेट फैट्स, और तीसरा आ जाता है स्टीरॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स. सिंपल फैट्स एस्टर्स ऑफ, ध्यान से पहले यहां पे सुनना है, फैटी एसिड्स विद एल्कोहल. सिंपल, दे आर सिंपल फैट्स. ये फर्दर दो टाइप का है. कौन से दो टाइप के हैं? कि अगर एल्कोहल ग्लिसरॉल हो या हम दो टाइप के हैं, फैट्स एंड ऑयल्स या फैट्स एंड वैक्सेस. इसमें एल्कोहल इज ग्लिसरॉल, वैक्सेस में हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल. ये फैट्स फर्दर दो टाइप के हैं, हार्ड फैट्स एंड ऑयल्स. इसमें है ग्लिसरॉल प्लस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तभी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए हम इसको हार्ड फैट्स कहेंगे. ऑयल्स जो है ग्लिसरॉल प्लस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. उसके बाद वैक्सेस एग्जाम्पल आ जाती है क्यूटिन एंड सुबरिन. दीज आर प्लांट वैक्सेस. उसके बाद आ जाती है लेनोलिन. लेनोलिन इज वूल वैक्स. ये बेटा रेनडियर्स में, शीप में, जो फर बियरिंग एनिमल्स है ना, उनकी जो स्किन पे वैक्स की लेयर है उसको बोलते हैं लेनोलिन. अनदर इज बी वैक्स, जो यू नो हनी बीज के कॉम्ब में. अनदर इज पैराफिन वैक्स या कैंडल वैक्स. ये बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हो. दिस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग पेट्रोलियम रिफाइनिंग. ये नेचुरल नहीं है, ये उसमें मिलते हैं. जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज पैराफिन. सो दीज आर वैक्स. उसके बाद कॉन्जुगेट फैट्स एग्जाम्पल आ जाती है बेटा, इसमें
phospholipids. Glycolipids. ये दो एग्जाम्पल आती है, अभी हम करेंगे. स्टीरोल में एग्जाम्पल आ जाती है कोलेस्ट्रॉल, सेक्स हार्मोन. ये आ जाती है स्टीरोल की एग्जाम्पल. अभी हम इन सबके स्ट्रक्चर करेंगे, पहले ये क्लासिफिकेशन. हार्ट फैट्स में एग्जाम्पल लिख लो, देसी घी. इट हैज शॉर्ट चेन्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, देयरफॉर सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. उसके बाद ऑयल्स में एग्जाम्पल आ जाती है जिंजली ऑयल, अनदर इज मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एक्सेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. थोड़ा सा हम देखें कि ये एस्टर्स बनते कैसे हैं. सिंपल फैक्ट्स, इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फैक्ट्स. दिस इज ग्लिसरॉल, सी एच टू ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच टू ओ एच प्लस आर सी ओ ओ एक फैटी एसिड लग गया, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया. तो ये क्या हो गया, सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर वन, बाकी तो सी एच OH, CH2, OH. इसको हम कहते हैं मोनोग्लिसराइड. मोनो ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसराइड. इसको हमने एक और फैटी एसिड आर टू सी ओ ओ, तो अब क्या हो जाएगा, सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर वन, यहाँ पे अब ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर टू सी एच टू ओ, दो फैटी एसिड्स आ गए. दिस इज डायग्लिसराइड. उसके बाद इसमें एक और आर थ्री COO, एक और फैटी एसिड आ गया, तो अब क्या बन जाएगा, CH2 O C double bond O R1 CH O C double bond O R2 CH2 O C double bond O R3. Three fatty acids are there. These are triglycerides. और जो triglycerides है, these are most common in our body.
most abundant, सबसे abundant fats, most abundant. ध्यान से पहले ये स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद हम आगे करते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, इसलिए आ जाते हैं फर्स्ट. Phospholipids, phosphoric acid तो है ही है, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है. So it is the most abundant lipids. In our biomembranes or plasma membrane. Right? Example है phospholipids की, क्या example है? Lecithin, suppellants, etc. इस तरह से है. Biomembranes, I think आपने 9th में भी किया होगा. These are bilayer of phospholipids. This is bilayer of phospholipids. इसमें ये जो है ये वाला पोर्शन और ये वाला यहां तक, दिस इज हाइड्रोफोबिक. फोबिक मीन्स विच रिपेल्स वॉटर. हाइड्रोफोबिक टेल्स. और ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है. फॉस्फोलिपिड्स में जो फॉस्फेट ग्रुप है ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है. जबकि जो लिपिड वाला ग्रुप है इट इज हाइड्रोफोबिक. क्योंकि फॉस्फोलिपिड में दोनों ग्रुप्स है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, देयरफॉर फॉस्फोलिपिड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक. एज फॉस्फोलिपिड्स हम कह सकते हैं पी एल मीन्स फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक. व्हाई एम्फीपैथिक? एज दे हैव both hydrophilic and hydrophobic groups. This is about phospholipids. और phospholipid का जो एक structure है वो आपकी book में दिया हुआ है, that is of lecithin. ठीक है, वो हम करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन, इसमें क्या है? इट हैज ग्लिसरोल प्लस टू फैटी एसिड्स प्लस H3PO4. दिस इज फॉस्फोरिक एसिड एंड ए नाइट्रोजिनस बेस. कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है? दैट इज OH
CH2 and CH3 iska naam yaad karne ki zarurat nahi hai, sirf itna structure hi yaad hona chahiye. Ab ye sab jab combine hue to yahan pe dekho, glycerol ke sath do fatty acids jab combine hue, CH2 O, C double bond O, R1, ek fatty acid ho gaya. CH O, C double bond O, R2, ye dusra fatty acid ho gaya. H3PO4 ko yahan pe thoda sa alag sa agar hum likhenge, H3PO4 kya hai? P double bond O, OH, OH, OH. Ek OH se ye react karke water jo hai wo remove hoga, to kya ban jayega? CH2O, iska sirf O reh jayega. P double bond O, OH, aur साथ में नीचे लिख दिया या ऊपर लिख दिया एक ही बात है, साथ में फिर O, क्योंकि यहाँ पे OH है, इसका OH वाटर रिमूव हुआ, O CH2 N CH3 this is the structure of lexic. Is it okay? पता चला बेटा? Yes ma'am. ठीक है? और ये एकदम ऐसे तो याद नहीं होगा, इसलिए आपको ये structure दो की तीन बार बनाना है. Lecithin क्या है? जो biomembranes में पड़ा हुआ. Biomembranes में कुछ lecithins है, sapellins है. ठीक है? तो ये lecithin का structure है, क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये करना ही करना. Right? करो ये. बनाओ. ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड तो सब में ही एक जैसा होगा, फर्क क्या होगा? फैटी एसिड्स में नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे लेसिथिन में जो है नाइट्रोजन बेस कौन सा है? कोलाइन. एंड दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए बेटा ग्लाइकोलिपिड्स. साथ ही लिख लो, ग्लाइको मतलब वही शुगर्स, द लिपिड्स कंबाइंड विद शुगर्स आर कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स. These are found in the nervous tissue. Such as they form myelin sheath. ठीक है जी, सो दीज आर ग्लाइकोलिपिड्स. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्टीरोल्स पे. दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स. दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ metabolism of lipids. The most common sterol is cholesterol. Most important sterol is cholesterol, and most other
या ऑलमोस्ट ऑल अदर, लिख लो साथ साथ, एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर स्टिरोल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. ऑल अदर स्टिरोल्स आर derived from cholesterol. ये structure है. सी ये किधर है, सी एच, उसके बाद यहां पे सी एच थ्री, नेक्स्ट आ जाता है फिर सी एच टू, अगेन सी एच टू, सी एच टू, सी एच, सी एच थ्री, सी एच थ्री. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. अगर हम कार्बन देखें तो कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. सी 27 होता है, तो एक जो है यहां पर भी है सी एच थ्री. ठीक है जी. सो इट इज सी 27 एच 45 ओ एच. दिस इज द molecular formula of cholesterol. And all other sterols are derived from cholesterol. Sirup again only sirup. This is cholesterol. It is animal sterol. Dhyan se sun lo, phir likhe. This is animal sterol. Not found in plants. Except potato. It is the precursor of all steroid hormones such as testosterone, male sex hormone, आपको पता है? Estrogen, female sex hormone, progesterone, again female sex hormone, another is cortisol. ये भी एक बहुत important steroid hormone. It helps in transport of fats and fat soluble vitamins. ये कुछ functions है cholesterol के. There are many other functions also, but you write down these.